वेलकम टू SST लैब। आई एम जरीन। आज हम प्रोफेशनल CV बनाना सीखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट ऑप्शन पर जाएंगे। इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक किया, जैसे ही इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ से हमने शेप लेनी है। शेप पर क्लिक करेंगे, शेप इंसर्ट करेंगे, माउस की मदद से ड्रैग किया शेप को। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहें। स्क्रॉल करेंगे, यहां से हम पेज का साइज थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से नजर आ सके। तो यहां से हमने माउस की मदद से इसको ड्रैग किया शेप को, शेप की सेटिंग करेंगे। एक और शेप ले लेते हैं, रेक्टेंगल। शेप की सेटिंग करेंगे माउस की मदद से। यहां हमने शेप को फ्रंट पर रखना है, तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड करेंगे। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि शेप को ब्रिंग टू फॉरवर्ड और ब्रिंग टू बैकवर्ड कैसे करना है। शेप फिल, कलर फिल करेंगे शेप्स में। यहाँ हम डार्क ब्लू कलर ले लेते हैं, फिल कलर किया। नेक्स्ट, आउटलाइन अगर आपने देनी है शेप की, आउटलाइन दे देंगे माउस की मदद से। सेटिंग करेंगे शेप्स की, डिजाइन, सॉरी, फिल कलर, कलर फिल करेंगे शेप में। आपने जो भी कलर लेना है यहाँ से आप कलर फिल कर सकते हैं। अगर आपने आउटलाइन नहीं देनी तो नो आउटलाइन करेंगे। शेप्स की सेटिंग करेंगे हम, नेक्स्ट। यहां पर हमने राइट करना है टाइटल, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने नाम से ही CV बना रही हूं, तो यहां पर मैं अपना नाम लिखूंगी टाइटल में। और इस नेम की अब हम फॉर्मेटिंग करेंगे, होम टैब से फॉर्मेटिंग होगी टाइटल की। यहां से हम सेटिंग करेंगे इसको, सेंटर, सेंटर में किया अपने फाउंट को। कलर जो भी आप देना चाहें, उसका साइज जो भी आपने रखना है। होम टैब पर जाकर आप इसको अपर केस भी करेंगे। फॉर्मेटिंग, होम टैब पर जाकर आप अपने टाइटल की फॉर्मेटिंग करेंगे। यहां पर हमने इसको कॉपी पेस्ट किया, क्योंकि जो हमारी टाइटल की फॉर्मेटिंग होगी वही यहाँ पर फॉर्मेटिंग होगी। देखिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे, आपने अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। यहाँ आपका जो भी मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ राइट करेंगे। नेक्स्ट, अपना ईमेल आईडी राइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर राइट कर लेती हूँ abc@gmail.com। होम टैब में जाएंगे, यहाँ से लाइन स्पेसिंग, आपने जितनी लाइन स्पेसिंग इसको आफ्टर
लाइन कितनी स्पेसिंग आपने रखनी है। यहाँ से लाइन स्पेसिंग हमने स्पेस सेट किया है, लाइंस के दरमियान जितनी स्पेस है उसको सेटिंग की है। नेक्स्ट हम शेप इंसर्ट कर लेते हैं रेक्टेंगल। अब हमने शेप यहाँ पर ड्रॉ की। इसकी सेटिंग करेंगे माउस की मदद से। पिक्चर इंसर्ट करेंगे। यहां पर आपने अपनी पिक्चर इंसर्ट करनी है। इसकी सेटिंग कर लेते हैं हम। इसको यहां पर कॉर्नर पर सेट करेंगे। आपने अपनी पिक्चर्स की फॉर्मेटिंग करनी है, उसको स्टाइल्स देना है, जो भी स्टाइल आप देना चाहें। विड्थ कितनी रखनी है आपने। तो यहां पर आप अपनी पिक्चर को इंसर्ट करेंगे। नेक्स्ट इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे हम। यहाँ पर एक और रेक्टेंगल हमने इंसर्ट किया। एक्सपीरियंस यहाँ पर हम राइट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स। जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, फर्स्टली हम सीवी में अपने ऑब्जेक्टिव्स राइट करेंगे। शेप आउटलाइन डिफरेंट फॉर्मेटिंग हम यहाँ से करेंगे। उसका साइज ऑब्जेक्टिव का इंक्रीज करेंगे, बोल्ड करेंगे, अपने फॉन्ट को साइज इंक्रीज करेंगे 11। नेक्स्ट हमने एक और शेप इंसर्ट करनी है। यहां पर हम अपने ऑब्जेक्टिव्स राइट करेंगे। जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे आप यहाँ पर राइट करेंगे। ऑब्जेक्टिव मैंने ऑलरेडी पैराग्राफ से लिया है, आप लोग इसको खुद से भी राइट कर सकते हैं। अब इसी को हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है ताकि हमारा टाइम जो है वो टाइम वेस्ट ना हो, और जो हमने फॉर्मेटिंग ऊपर की है सेम वही फॉर्मेटिंग होगी। इसके बाद हम अपना एक्सपीरियंस राइट करेंगे, आपका प्रीवियस जॉब का जो भी एक्सपीरियंस होगा या आपका जॉब रिलेटेड जो भी एक्सपीरियंस हो आप यहाँ पर उसको राइट कर सकते हैं। अपर केस में करना है, हमने इनको टाइटल आपके जितने भी होंगे वो तमाम अपर केस में होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम अपने एक्सपीरियंसेस राइट करेंगे। आपने जहां जहां पर वर्क किया है आप वो राइट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपका प्रीवियस रिकॉर्ड है आपने वो राइट करना है कि मैंने इतने साल काम किया है फला इंस्टीट्यूट में। मैं यहाँ पर राइट कर रही हूँ वर्क एज इन एजुकेटर्स फॉर वन ईयर
from 1/9/2015 to 11/8/2016. मतलब 1 ईयर मेरा एक्सपीरियंस रहा है एजुकेटर स्कूल में. वर्क एज लोन ऑफिसर, इन खुशहाली बैंक, फ्रॉम, यहाँ पर अब हम डेट राइट करेंगे, फ्रॉम 10/5, इसको हम 9 कर लेते हैं, 2016 टू 5/8/2017 तक. ये था मेरा जॉब एक्सपीरियंस. नेक्स्ट हम टेबल इंसर्ट करेंगे. यहाँ पर डिफरेंट हम रोज और कॉलम्स ऐड करेंगे. टेबल की हम सेटिंग करेंगे. यहां हम राइट करेंगे फर्स्ट कॉलम में एजुकेशनल लेवल, ग्रेड और परसेंटेज, सीजीपीए, आपने जो भी जिसमें भी आपने मार्क्स गेन किए हैं, आपने परसेंटेज में मार्क्स गेन किए, ग्रेडिंग सिस्टम था आपका या सीजीपीए था, वो राइट करेंगे आप इधर सेकंड कॉलम में. यहाँ हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, बोल्ड किया हमने, इसको कलर दिया. सबसे पहले हम MBA बैंकिंग एंड फाइनेंस, MPhil फाइनेंस राइट करेंगे. सेशन आपने जिस ईयर में कंप्लीट किया और जिस ईयर में आपने एडमिशन लिया था, आप सेशन राइट करेंगे 2016 to 18 to 19 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी डी आई खान. अब अपनी यूनि का नेम लिखेंगे यहाँ पर. नेक्स्ट हमने इसी को कॉपी और पेस्ट करना है. इसका साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं थोड़ा, ताकि आपको अच्छे से नजर आए. इसका हमने साइज इंक्रीज कर लिया है और फॉर्मेटिंग कर रहे हैं हम डिफरेंट. सेशन है आपका 18 टू 19 एमफिल का. सबसे जो आपकी डिग्री, जो आपने लेटेस्ट डिग्री है वो आपने सबसे पहले लिखना है उसको. नेक्स्ट यहाँ से हम फॉर्मेटिंग करेंगे. आप अपने पसंद के कलर्स जो भी आप लेना चाहें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. आपका CGPA क्या रहा है वो आप यहाँ पर राइट करेंगे. फॉर एग्जांपल CGPA है 3.45.
यहाँ से आप इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट हमने इसको कॉपी कर लिया लेआउट इसका, सेटिंग की हमने, फॉर्मेटिंग किया है। नेक्स्ट हम इसको कॉपी करेंगे और सेकंड सेल में हम इसको इंसर्ट कर देंगे। सेम हम एमबीए राइट करेंगे। अब MBA बैंकिंग एंड फाइनेंस हमने कॉपी पेस्ट इसलिए किया ताकि हमारे पास टाइम जो है हमारा वो सेव रहे, उसी में हम एडिटिंग कर लेंगे 11 to 13। और यहाँ पर हम अपनी यूनिका नेम राइट करेंगे। इस कॉलम में हमने CGPA राइट करना है। ग्रेडिंग, अगर ग्रेडिंग सिस्टम है आपका तो आप अपना ग्रेड राइट करेंगे। नेक्स्ट डिग्री है हमारी बीकॉम। सेशन राइट करेंगे 2010 to 11। कुछ भी आप यहाँ पर अपना जो सेशन है आपका वो आप यहाँ पर राइट करेंगे। मैं फर्जी राइट कर रही हूँ। 75% थी। इसके बाद था ICS। यहाँ पर हम राइट करेंगे CGPA। याद आ रहे हैं ना बेबी? हमने अपनी तमाम डिग्रीज को यहाँ पर राइट किया, उनके सेशन राइट किए हैं और परसेंटेज जो भी आपकी परसेंटेज थी हर डिग्री में आपने वो यहाँ पर राइट की। या आप अपने तमाम डिग्रीज की यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखेंगे। एमफिल टू मैट्रिक, सेटिंग करेंगे हम। नेक्स्ट आपकी प्रोफेशनल सीवी जो होगी वो एक या दो पेजेस की होती है। यहाँ पर हम सेकंड पेज पर भी कुछ राइट करेंगे। शेप हमने इंसर्ट की।
यहाँ पर हम अपना फादर नेम राइट करेंगे। अदर इन्फो आ जाएगी इधर, फादर नेम, CNIC नंबर, एड्रेस, यहाँ पर आपने अपना एड्रेस राइट करना है, सिटी राइट करना है, नेक्स्ट। फॉर्मेटिंग करेंगे हम, एड टेक्स, टेक्स राइट करना है, तो सेंटर में लेकर आएंगे, साइज इंक्रीज करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इन्फो, इंफॉर्मेशन, यह है हमारा पेज वन, पेज वन आपका रेडी है। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट पेज पर आपकी बेसिकली यही चीजें आएंगी, ऑब्जेक्टिव्स, एक्सपीरियंसेस, एजुकेशनल लेवल, एजुकेशन लेवल इसकी हम फिर सेटिंग करेंगे ताकि हमारा प्रिंट अच्छे से आ जाए। लाइन स्पेसिंग सेट करेंगे, बुलेट्स ऐड करेंगे एक्सपीरियंस में, पेज की सेटिंग करेंगे, पेज सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमने इसी बॉक्स को, रेक्टेंगल शेप को हमने कॉपी कर लिया है, तो यहाँ से कट कर लेंगे, हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। यहाँ हम इसको पेस्ट करेंगे, यहाँ हमने टेक्निकल स्किल्स राइट करनी है,
जो भी आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं आप यहाँ पर राइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रैक्टिकल वर्क अच्छा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, यहाँ पर आप अपनी तमाम टेक्निकल स्किल्स राइट करेंगे। सेटिंग करेंगे पेज की, कॉपी पेस्ट किया, यहाँ से कम्युनिकेशन स्किल्स हम राइट करेंगे। करंट जॉब करंट जॉब राइट करेंगे कि आप करंटली क्या वर्क एक्सपीरियंस है आपका। वर्क एज एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर, सिंस साइंस मैथ। वर्क एज एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर साइंस मैथ। इन एजुकेशन डिपार्टमेंट नेक्स्ट हम राइट करेंगे हॉबीज, रीडिंग बुक्स, जो भी आपकी हॉबीज हैं आप यहाँ पर राइट करेंगे।
कॉपी पेस्ट करेंगे सेम। रेफरेंसेस, जॉब रिलेटेड अगर आपके कोई रेफरेंसेस हैं आप वो भी यहाँ पर राइट करेंगे। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनमें रेफरेंसेस, जैसे बैंक जॉब होती है उनमें रेफरेंसेस की बहुत ज़रूरत होती है, तो रेफरेंसेस राइट किए जाते हैं वहाँ पर। एक या दो रेफरेंसेस आप लिख सकते हैं अपने। यहाँ पर आप अपना रेफरेंस वन राइट करेंगे, रेफरेंस टू राइट करेंगे। नेम ऑफ पर्सन, उसका डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, सेम इसी तरह आपने रेफरेंस टू के लिए को आपने यहाँ से फॉर्मेट करना है। कलर सेंटर में किया इसको, साइज इंक्रीज किया। कॉपी किया यहाँ से और इसको लाइन स्पेसिंग पेस्ट करते हैं इसको यहाँ पर। बोल्ड किया, यहाँ से हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। जो चेंजिंग आपने करनी है सेटिंग करेंगे, सेटिंग करेंगे इसकी। बॉर्डर हम इसका सेट करेंगे यहाँ से, ऑल बॉर्डर करने, आप जो भी लेफ्ट बॉर्डर देना है इसको राइट देना है, जो भी आपने बॉर्डर देना है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। होम टैब में जाकर बोल्ड करेंगे, यूनिवर्सिटी नेम,
मार्क्स इनको भी हम थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। आउट ऑफ 3.45 CGPA आउट ऑफ 4, तो ये हमारी सीवी जो है वो रेडी हो चुकी है। बोथ पेजेस आप देख सकते हैं। आइकन ले लेंगे हम जहां से मैसेज राइट करेंगे। आइकन इंसर्ट करेंगे अपने पेज पर। यहाँ हम इसको इन्फो के सेटिंग करेंगे। यहाँ हम इसको इंसर्ट कर देंगे। तो ये हमारी सीवी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ा सेट करते हैं, सेटिंग इसकी कर लेते हैं रेफरेंसेस की। तो इस तरह आप इजीली घर बैठे ही अपनी सीवी जो है वो खुद से बना सकते हैं प्रोफेशनल वे में। माउस की मदद से हम सेटिंग करेंगे रेफरेंसेस की, ताकि इसका जो प्रिंट है वो ठीक से आपको शो हो। अब ये देखें, ये आपकी सीवी जो है वो रेडी हो चुकी है।
मजीद जो भी सेटिंग आपने करनी हो आप इजीली उसको कर सकते हैं। तो यहाँ से हम माउस की मदद से टेबल को सेट करेंगे। एड डिक्शनरी, यहाँ से आप आपकी जितने रेड लाइंस आपको यहाँ पर शो हो रही हैं उनको इग्नोर करेंगे। आप इग्नोर ऑल देखिएगा, यहाँ से जो रेड लाइंस आपको शो हो रही थी वो यहाँ से हट गई हैं। ये थी हमारी सीवी, आज हमने सीवी बनाना सीखा। तो व्यूवर्स, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।